Good evening. Welcome at the same online providing portal Vivekvich. Class 12 foundation based विद्यार्थी हम लोग करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक स्टार्ट किए थे, उसमें रजिस्टर का कॉम्बिनेशन सीख रहे थे, इक्विवेलेंट रजिस्टेंस फाइंड आउट करना। देखिए इस पर खूब हम लोग काम किए हैं, कुछ और सवाल देखते हैं। एक आज हेडिंग डालते हैं, अब रेजिस्टेंस एक्चुअल में कनेक्ट करके दिखाया जाए तो उसमें सीरीज पैरेलल वीट स्टोन टी नेटवर्क पाई नेटवर्क या करंट का डिस्ट्रीब्यूशन तमाम तरीका हम लोग पास वहां से निकाल लेंगे। आपके यहां बोर्ड स्टैंडर्ड में केवल सीरीज पैरेलल जानते रहिए, वीट स्टोन भी जानते रहिए, इतने से काम से हो जाएगा। बस स्यूडो जंक्शन स्यूडो रजिस्टर ये सब कंपटीशन लेवल का है, फिर भी आप लोग एक दो क्वेश्चन। चलिए एक और अच्छी हेडिंग है, जो मार्केट में रेजिस्टेंस मिलते हैं, ये जो रेजिस्टेंस आप बना रहे हैं अपने कापी पर, हम अपने बोर्ड पर, ऐसा रेजिस्टेंस कहीं नहीं मिलता है। इस तरह का जिग जैग यहाँ मिला वाला रेजिस्टेंस मिलता नहीं, ये थियोरेटिकल इसका प्रॉब्लम है। कई चीज़ें थियोरेटिकली और वास्तव में एक्चुअल में अलग अलग हैं, जैसे रजिस्टर ऐसा नहीं होता, कंडेंसर कभी ऐसा नहीं होगा। कंडेंसर भी पहले हम लोग पढ़ेंगे, तो इस शेप में नहीं दिखता है। कंडेंसर देखते हैं खूब बढ़िया से एकदम पैक रहता है, और दो उसमें टर्मिनल निकले होते हैं, सिलेंड्रिकल दिखता है, ये कंडेंसर होता है। तो उसी तरह रजिस्टर जो होता है ये थियोरेटिकल है, ये भी थियोरेटिकल है, और ये जो क्वाइल है कापर की मोटी क्वाइल, इसको इंडक्टर बोलते हैं, ये ओरिजिनल अपने शेप में, जैसा आप फिगर बना रहे हैं वैसा सचमुच में आपके सामने आएगा, दिखेगा सर्किट में किसी तरह से दिखता है, स्प्रिंग की तरह दिखेगा, ये इंडक्टर है। तो रजिस्टर जो सचमुच मार्केट दिखता है बहुत छोटा सा होता है, बहुत नन्हा सा, जितना एक फिंगर की दिखा रहे हल्का से गुली की थोड़ी सी पार्ट को उतना बड़ा होगा, लेकिन मोटाई बहुत ज़्यादा हो गई। जैसे बच्चे गले में कुछ माला वाला पहनते हैं, उसमें छोटे छोटे पत्थर के नन्हे मुन्हे उसे टुकड़े कनेक्ट होते हैं, उसमें धागा डाल के पिरोया जाता है, उसी तरह छोटा सा पत्थर का एक टुकड़े की तरह दिखता है। और जैसे लेंस लगा करके देखे भाई, फिगर बहुत छोटा है तब भी हम लोग बड़ा ही बनाएंगे, लेंस लगा कर देख रहे हैं इसको बड़ा बना, ऐसे ये डम्बल वाला जो शेप आप बना रहे हैं ना, इसी शक्ल का दिखता है, लेकिन इतना मोटा तो थोड़ी होता है, इतना मोटा नहीं होता, तो मजबूरी है। जैसे चींटी का फिगर बनाना होगा, चींटी का क्या चींटी साइज बनाएंगे? नहीं, बड़ा भारी बनाएंगे, तब क्वार्टर पेज आधे पेज में चींटी बनाएंगे। और हाथी फिगर बनाना होता, क्या हाथी जितना बड़ा पेपर आपके पास है उतना बड़ा बनाएंगे? नहीं, उसी छोटे से पेपर पर हाथी को भी आप उसको दबा करके श्रिंक करा के छोटा वाला बनाएंगे। हम लोग मजबूरी है, बड़े बहुत बड़े वाले को भी बना लेते हैं कापी पर, बहुत छोटे वाले को भी कापी बना लेते हैं बड़ा कर। ये छोटा बहुत छोटा है लेकिन उसकी जो शक्ल होती है डम्बल्स मैच करते हैं। और इसमें चार ऐसे लाइन, चार पट्टियाँ, स्ट्रिप ऐसे बनी होती हैं, और यही स्ट्रिप कलरफुल होती है, रंगीन होती है, वही कलर देख कर इसकी वैल्यू बताया जा सकता है कितने ओम्स का। एक्चुअली होता है कि बहुत छोटा है उस पर लिखना, जैसे 250 ओम का है, 250 ओम का ये है, 25 किलो ओम का है, मेगा ओम का है, ये लिखना पॉसिबल नहीं है, बहुत छोटा प्रिंटिंग नहीं हो पाएगी, प्रिंटिंग नहीं हो पाती तो उसमें होता क्या है, तब इसको बना दी। और कभी कभार रेजिस्टेंस रुइंड हो गया, करंट ज़्यादा पास करके ब्रश हो गया, बर्न हो गया, तो कितना ओम का रेजिस्टेंस, मान लीजिए बहुत छोटा छोटा लिखा भी जाए बर्न हो जाएगा, तो वो जो लिखा रहता था वो भी ध्वस्त हो जाएगा, रिटेन मैटर भी गायब हो जाएगा, तो मुश्किल होगा पहचाना कितने ओम की वैल्यू का था। और फिर से टेलीविजन सर्किट आप बना रहे हैं, कंप्यूटर रिपेयर कर रहे हैं, कितने ओम का रेजिस्टेंस ये ब्रश हुआ है, बर्न हुआ है, उतने ओम का लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन पढ़ने में आ ही नहीं रहा कितने वैल्यू का था। इसलिए जो इंजीनियर्स थे, जो टेक्निकल काम करते थे इस तरह के, उनको समस्या है, इस समस्या से निजात पाने के लिए उन्होंने कलर बना दिया, कलर की स्ट्रिप। होता क्या है, एक तरफ से अगर मान लीजिए बर्न कर गया तो पूरा रोल करके ऐसे घुमा करके ऐसे देख लीजिए, किसी तरफ तो कलर मिल जाएगा, तो वही कलर देख करके वैल्यू समझ लेते हैं कितने होगा। तो कलर को हम लोग डिजिट के रूप में पेश करने वाले हैं, कलर कोड सीखने वाले हैं, सीखेंगे कि जैसे रेड है तो उसको 2 बोलेंगे, ग्रीन है तो उसको 5 बोलेंगे, ऐसे क्या किसको कहना है वही सब सिखाने वाले हैं। कलर को नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस हेडिंग का नाम है कलर कोड।
कोडिंग डिकोडिंग होती है, जैसे जो कुछ टेररिस्ट टाइप के होते हैं आतंकवादी लोग, उनकी भी कोडिंग होती है। कोडिंग, कोड वर्ड में आपस में बात कर लेते हैं, सामने वाला भी समझ जाएगा। जैसे कहीं पर टेररिस्ट गया हुआ है आतंकवादी, अपने सगे संबंधी दो तीन लोग एक साथ गए हैं, आपस में अपने ग्रुप में बात कर रहे हैं कि जैसे अभी जो बम वाला बैग है मत वहाँ पे रखिए, और वहाँ पर मत डिस्चार्ज करिए क्योंकि पुलिस गश्त पर है, पकड़ सकती है। ये बात अपने किसी साथी को बतानी होगी, कह देगा कि ठीक है माहौल सही है, ये पकौड़ा गर्म है, आइए पकौड़ा गर्म खा लिया जाए। पकौड़ा गर्म मतलब पकौड़ा माने पुलिस, और पकौड़ा गर्म माने पुलिस एक्टिव है, देखता है, उनका कुछ कोड होता है, उस भाषा में बात करें तो सामने वाला समझ जाए। तो अपना बैग लिए रहेगा, अपना चुपचाप शांति से सज्जन सज्जनता को रोके बैठा रहेगा, दिखे वो भी अच्छा वाला आदमी। तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, कई लैंग्वेज सिखाया जाता है, कुछ तरह से कुछ कोडिंग होती है जिसको लोग पकड़ नहीं पाते, आम पब्लिक जो समझ नहीं पाएगी क्या होने वाला है, इतना कोड वर्ड में बात करते रहते हैं। तो हम आपको वो गलत सलत कोड नहीं, सही वाला कोड, पढ़ाई वाला कोड सिखा रहे हैं, कैसे कलर को डिजिट में हम लोग लिखेंगे, फिर डिजिट की वैल्यू देकर कलर वाला समझ जाएंगे, वैल्यू उधर समझ जाएंगे कितनी होता है। लीजिए हेडिंग डालते हैं, जो छोटा वाला रजिस्टर है उसका नाम है कार्बन रजिस्टर, लिख लेते हैं कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर, कार्बन रजिस्टर की कलर कोड, ये अच्छे है। तो टोटल 10 कलर हैं, उन्हीं को जो इलेक्ट्रॉनिक्स सीखने जाते हैं, जो मोबाइल रिपेयरिंग का, कंप्यूटर रिपेयरिंग का या टेलीविजन रिपेयरिंग सीखने जाते हैं जो बच्चे, तो उनके जो गुरु जी लोग होते हैं पहले रखवाते हैं काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, इस तरह से हिंदी में रखवाते हैं, या अंग्रेजी में ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, इस तरह से रखवाते हैं, येलो, इस तरह से रखवाएंगे उनको, और 10 कलर होते हैं। इसका आसान तरीका है, जैसे आप रखना चाहें वो कलर जल्दी से, या इलेक्ट्रॉनिक वाले कोई भाई बंधु हैं तो जल्दी से सीखें, काफ़ी उम्र बाद सीखने जाते हैं तो बातें याद नहीं हो पाती, जल्दी से सीखें। इसके लिए सही आसान तरीका है कि 2 रुपये खर्च करिए, दुकान पर जाइए किसी इलेक्ट्रॉनिक वाले, वहाँ से बेल्ट वायर मिलता है, पट्टा वायर, पट्टा वाला तार, उसमें अगल बगल जैसे ये उंगलियाँ देख रहे हैं, उंगलियाँ ये चार हैं, चार उंगलियाँ आपस में सेंटिंग की गई, सेंटिंग की गई, इसी तरह से 10 तार होते हैं, 4 4 8 दो तार हो, 10 तार अगल बगल अगल बगल ऐसे बिछाए गए होते हैं, उससे सिक्वेंस होते हैं, पूरा बेल्ट की तरह दिखता है, 10 वायर अगल बगल साइड वाइज प्लेस करके लंबा से बनाया जाता है। 2 रुपये ले लीजिए तो 2 रुपये के 1.5 मीटर थोड़ी दोगे, कैंची हल्का से काट के दे देगा, हल्का से थोड़ा सा पीस, 10 का जो कलर है वो तो आपको हाथ मिल गया, भले ही छोटा सा मिले किसी काम में नहीं आए, लेकिन कलर देखने में तो आ ही जाए, देख देख करके देख लीजिए। स्टार्ट होता है ब्लैक से, एंड होता है वाइट, काले से शुरू सफेद तक खत्म। तो लीजिए हम वो भी मत करिए, 1 रुपये 2 रुपये भी मत खर्च करिए, आप सीधे सीधे फ्री में पूरी बात सीखिए। 10 कलर हैं और इन्हीं 10 कलर 10 कलर को लेकर, अच्छा लाइट में आपको बताएं, लाइट के चैप्टर में ब्लैक और वाइट को कलर नहीं बोला गया है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ ऑल कलर, सभी कलर एक साथ मौजूद हो जाए क्रिएट्स वाइट, वेयर एज एब्सेंस ऑफ ऑल कलर, सभी कलर को रिमूव कर दिया जाए एब्सेंट हो जाए सब कलर तो डार्क क्रिएट होगा, यानी रात अंधेरी की तरह काली काली दिखेगी, कोई कलर ना मौजूद हो तो काला, सभी कलर मौजूद हो तो वाइट सफेद, इसलिए ब्लैक एंड वाइट को कलर नहीं सपोज किया गया, लेकिन यहाँ पर हम लोग सपोज कर रहे हैं भाई, ये कलर कोड में ब्लैक ऑन ब्लैक एंड वाइट को भी काउंट कर रहे हैं। बहुत मज़ेदार टेबल है और ये टेबल फ्री में आप याद करेंगे। यहाँ कलर है,
रंग का नाम है। ये वैल्यू किस कलर का क्या वैल्यू है, 10 कलर हैं लेकिन वैल्यू हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं। जीरो से स्टार्ट करके कहाँ तक जाएंगे, 10 तक नहीं, 9 तक, 10 वही है वैल्यू। और ये इस कलर में है मल्टीप्लायर, 10 के पावर टू में मल्टीप्लायर। और लास्ट कॉलम देखते हैं कितना घट सकता है बढ़ सकता है, सहनशीलता, उसको सहनशीलता टॉलरेंस, टॉलरेंस टॉलरेंस में सहनशीलता। पूरा टेबल ही धूम्रपान के याद हो जाएगा। चलिए पहले नंबर पर है, पहला कलर है ब्लैक, वैल्यू इसकी जीरो। दूसरा कलर है ब्राउन भूरा, वैल्यू इसकी वन। अभी आगे वाले कॉलम फटाक से भरें बहुत जल्द, इन नो टाइम, बिना समय लिए। तीसरा है लाल रंग रेड, टू इसकी है। एक्चुअली जीरो शुरू किए इसलिए इधर सीरियल नंबर में तो 3 तक आ गई, इधर अभी 2 है। और ये है नारंगी ऑरेंज, ऑरेंज की 3। ये है 5वां की येलो पीला। छठा ग्रीन, देखिए हमको याद था ग्रीन के लिए 5 होता है, रेड के लिए 2 होता है। ऐसे बीच बीच में दो तीन फिर याद करते रहे, तब तक हम पूरा याद करा देते हैं। आप अपने ढंग से याद करते रहे, जैसे बीच बीच में ब्लैक भाई 0 होता है, ग्रीन के देखिए 5 होता है, रेड 2 होता है, ऐसे बीच में काल दो स्टॉप रहेंगे तो याद करने मदद मिलेगी। ये ग्रीन और ब्लू नीला, नीला की 6 होता है। वायलेट, वायलेट की सीजन, बैगनी, और ग्रे, ग्रे माने स्लेटी हो गई, 8 होता है। टेन है 10वां, W से शुरू होता व्हाइट, व्हाइट के लिए स्पेस कम पड़ रहा है, 10 तो हो ही गया। चलिए मल्टीप्लायर में 10 पावर 0, 10 पावर 0 मतलब समझ रहे हैं 1, और ब्राउन के लिए मल्टीप्लायर 10 पावर 1। अब तो समझ गए आपको, वही जो वैल्यू वही 10 पावर पे रेज कर दीजिए, चढ़ा दीजिए 10 पावर 2, 10 पावर 3 मतलब 1000 हो गया, 10 पावर 4 हो गया, 10 पावर 5, कितना आसान, इधर का कोई दिक्कत ही नहीं, 10 पावर 6, 10 पावर 7, 10 पावर 8।
8 × 10⁻¹। टॉलरेंस सहनशीलता होती ही नहीं है, कुछ भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होती, कुछ भी नहीं। 11th है गोल्ड। अगर सुनहरा रंग है तो इसमें वैल्यू नहीं लिखा जाता, पावर के रूप में 10⁻¹ लिख सकते हैं, और ये 5% होता है। टॉलरेंस हमेशा प्लस माइनस साइन के साथ लिखा जाता है, 5% टॉलरेंस गोल्ड हो गया। थोड़ा सा नीचे तरफ देखिए आप लोग, गोल्ड हो गए। लास्ट में देखिए है तो मेन 10 तक ही, यहीं तक है मेन, बाकी ये टॉलरेंस की लिख रहे हैं। सिल्वर, सिल्वर के वैल्यू नहीं पूछी जाएगी कभी सिल्वर वाले के लिए। हाँ अगर मल्टीप्लायर के रूप में उपस्थित होता है तो 10⁻¹, और ये 10%। लास्ट वाले 13वें पॉइंट देख लीजिएगा, भाई जगह नहीं हमारे पास 13 पॉइंट में। 13 पॉइंट आप लिखेंगे नो कलर या बॉडी कलर, कोई कलर ही ना हो, कोई कलर ना हो। जैसे एक चाक लें और जिस कलर का बोर्ड है उसी कलर के चाक से बोर्ड पर लिखें, तो आपने कहीं कुछ नहीं लिखा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ब्लैक पेन हो और ब्लैक पेपर पर आप लिखे, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो कोई कलर ना हो, कोई पट्टी ही ना हो, कुछ लोग जबरदस्ती कहेंगे नहीं पट्टी है, आप देख नहीं पा रहे। जिस कलर की बॉडी बनी है, जो रेजिस्टेंस की बॉडी है, उसी कलर से पेंटिंग किया गया है, वो स्ट्रिप बनाई गई, आप नहीं पढ़ पा रहे, देख नहीं पा रहे। तो बॉडी कलर या नो कलर, बॉडी कलर या नो कलर, इसके लिए वैल्यू में क्या लिखेंगे, डैश वैल्यू कुछ नहीं, और मल्टीप्लायर में क्या लिखेंगे, 10⁻¹, और टॉलरेंस वाले कॉलम लिख देंगे 20%। जरा इसको भी ऐड कर लिए तो 13वें पॉइंट इसी सिस्टम से उसको भी वैल्यू कुछ भी नहीं, टॉलरेंस में 10 मल्टीप्लायर में 10⁻¹ और टॉलरेंस 20%। हो गया। ये जो तीन लास्ट वाले हैं, गोल्ड है, महंगाई धीरे धीरे ऐसे घटाई, गोल्ड सिल्वर नो कलर ये बॉडी कलर, तो इनके लिए टॉलरेंस कितना, 5, 10, 20, 5 है, 10 है और 20% है, टॉलरेंस के लिए ही होते हैं। चलिए ये पूरा है, 13 पॉइंट में से लोग सीखी है। तो याद रखिएगा वैल्यू कैसे लिखते हैं, रजिस्टर ऐसे बना दें आपको, तो दिखा दें, ये रजिस्टेंस हम दिखा रहे हैं, और रजिस्टेंस पर किस पट्टी की क्या मीनिंग है, मल्टीप्लायर का मतलब क्या है, वैल्यू का मतलब क्या है, सब सीखते हैं। ये फिगर को गौर समझ लीजिए, पूरा आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा। ये पट्टियां बनी, ज्यादा से ज्यादा 4 पट्टी, कम से कम 3 ही, 3 से कम नहीं बनता। चौथी पट्टी दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता, दिया जाएगा तो ठीक है, नहीं दिया जाएगा तो दिन बड़ी कलर में। ये पहली दो जो स्ट्रिप है, फर्स्ट दो स्ट्रिप, ये बताती है वैल्यू, वैल्यू। ये जो तीसरी पट्टी है ये बताती है गुणज के रूप में, 10⁻¹ में कितने मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लायर को रिवील करते हैं। और फोर्थ जो पट्टी है, चौथी वाली लाइन, चौथी वाली जो धारी है, वो टॉलरेंस, टॉलरेंस सहनशीलता। और टॉलरेंस की पहचान क्या है, हमेशा परसेंट में लिखा जाता है, प्लस माइनस सात। दो लाइन वैल्यू को बताएगा, तीसरा वाला 10⁻¹ वाले को मल्टीप्लायर को, और चौथा वाला टॉलरेंस कितना घट या बढ़ सकता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं फिर समझते हैं। कितने तरह से आपसे पूछा जा सकता है घुमावदार क्वेश्चन। हमारे पास रंगीन चाक नहीं, इन्हें चाक से कलर कर करके दिखा देते हैं। चलिए ऐसे दिखा दे रहे हैं आपको,
ये किस कलर की पट्टी है। जैसे ये पट्टी है आपकी रेड कलर, ये बीच वाली पट्टी है ग्रीन कलर की, और ये तीसरी पट्टी है ऑरेंज कलर की, और चौथी पट्टी है सिल्वर चांदी वाले कलर सिल्वर कलर। तो बताइए इसकी वैल्यू क्या हो। रजिस्टेंस, तो रजिस्टेंस लिखना होगा, क्या लिख देंगे आप, पहला दो इसको डिजिट के रूप में लिखे तो एकदम फायदे में, वैल्यू फटाफट लिख दी। रेड की देखिए भाई, रेड टू होता है, रेड की टू। ग्रीन की देखिए फाइव होता है, ऑरेंज की देखिए थ्री होता है, और सिल्वर की देखिए 10% होता है, 10%। अब देखिए दो को वैल्यू के रूप में लिखना है, दोनों को पास पास से लिख डाली, ये हो गया 25 इंटू तीसरे वाले को मल्टीप्लायर के रूप में ये पावर चढ़ा दी 10³, इतना ओम और प्लस माइनस 10%, ये आंसर कितना आसान लगा। पहले दो पट्टियों को साथ साथ लिख दी तो वो वैल्यू के रूप में काउंट हो, और तीसरे वाले जो पहले तो लिखना तो वैल्यू ही है एग्जैक्ट डिजिट वाला, बाकी मल्टीप्लायर मतलब 10 पावर चढ़ा देंगे हम लोग, क्या दिक्कत। समझ गए होंगे, एक ही क्वेश्चन पर्याप्त, ऐसे आंसर दिया जा सकता है। अगर कंपटीशन पूछा गया तो हो सकता है थोड़ा सा घबरा करे, आपको परेशान करे। एक तो आंसर ये है, दूसरा वाला आंसर एग्जैक्ट ये 25,000 ओम है और प्लस माइनस 10%, तो 25,000 एग्जैक्ट इतना लिख दे रहे हैं 25,000 ओम और प्लस माइनस इसी का 10%, और जब इसका 10% निकालेंगे ना तो 2500 ओम आ जाएगा, यानी 25,000 इसी का 10% प्लस माइनस 25,000 और 10% मतलब इंटू 10 और पर माने डिवीजन मार सेंट माइनस 0 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
ब्रैकेट क्लोज करने के बाहर लास्ट ओम लगाना, लास्ट ओम किनारे पर देखिए कैमरा घुमा दे रहे हैं, लास्ट में ओम लगाना है। इसमें परसेंट था, इसमें भी ओम फिट करना चाहते हैं, इसी में इसी का 10% निकालिए तो होल सोल तक पूरी यूनिट एक साथ ओम निकल गया। क्या आ गया ये हो गया 25,000 है, 25,000 ये हो गया आपके लिए 2.5 × 10⁴ हो गया ओम प्लस माइनस, इसको लिख देंगे 2.5 × 10³ और ब्रैकेट बाहर। या सीधे सीधे देख रहे हैं 25,000 ओम प्लस माइनस 2500 ओम 2500 ओम। कोई पूछे मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना हो सकता है तो 25,000 ओम प्लस 2500 ओम 2500 कितना हो जाएगा 27,500 ओम हो जाएगा मैक्सिमम। मिनिमम रेजिस्टेंस इसी 25,000 में से माइनस 2500 कर दें वो आ जाएगा आपके लिए 22,500 ओम। तो हो गया, केवल रेजिस्टेंस से पूछा जाता है, कलर स्टेप बनाकर रेजिस्टेंस तो पहला स्टेप ही पर्याप्त है आपके बोर्ड के लिए। ये सब कंपटीशन के लिए एग्जैक्ट देखना है, परसेंट दिया है प्लस माइनस की एग्जैक्ट ओम एग्जैक्ट उसके साथ यूनिट लिखा गया, यूनिट लिखा गया तो इसका मतलब इसी का वो वाला परसेंट निकाल के रखती है। हो गया, आप समझ गए होंगे अब तक इतनी देर की डिस्कशन से इतने जो समय खर्च हुआ है इस टेबल के निर्माण में और टेबल की यूटिलिटी देखते हुए इसकी उपयोगिता समझते हुए मन में विचार आ रहा है कि टेबल का जो कलर है एकदम सिक्वेंस याद होता चला जाए, सिक्वेंस में याद होता चला जाए एकदम नंबरिंग 1, 2, 3, 4 जैसे लिखे हैं ऐसे कलर ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे व्हाइट व्हाइट पर समाप्त, बाकी महंगाई धीरे धीरे घटानी गोल्ड नहीं गोल्ड तो सिल्वर ही सही और नहीं सिल्वर तो जाने नहीं कुछ है गोल्ड सिल्वर या नो कलर, बाकी 10 जो कलर हैं वो सही सिक्वेंस में अगर याद हो गए आप अपनी एरिया के सबसे धनी आदमी बन जाए सबसे बड़े वाले। लीजिए इन 10 कलर को याद करने की छोटी सी ट्रिक है, सीधे सीधे याद हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो पाता तो लीजिए ट्रिक बता दे रहे हैं। ट्रिक भी अंग्रेजी में ही है, एक अंग्रेज आदमी है उसका नाम है बीबी रॉय, धीरे धीरे मैच करा लीजिए आप बीबी रॉय देख रहे हैं और बीबी रॉय कहाँ का
ये अंग्रेज आदमी इंडियन है कि अमेरिकन है? ये अमेरिकन है या इंग्लैंड का, ब्रिटेन का हो सकता है। लीजिए कोई ट्रिक, ये पूरा याद करने का ट्रिक हम बता दें। ये टुटका बी बी रॉय, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो, देख लीजिए कितना सही सेटिंग है बी बी रॉय। और ये कहाँ का है? ये तो सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए है, आपको सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन जो कैपिटल लेटर लिखे गए उसी की मीनिंग है, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो, और जी से ग्रीन है, इस बी से ब्लू है। ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ, हैव सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए है, स्मॉल लेटर्स लिख रहे हैं, वेरी ये देखिए कैपिटलाइज की, इस बी की मीनिंग वायलेट है, गुड इस जी का मतलब क्या है, ग्रे कैपिटल, वाइफ बस ये समझ गया हूं। बेबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ, जो कैपिटल लेटर है उसी की लिख डाली, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो, और जी स्टैंड फॉर जी का मतलब ग्रीन, और ये ब्लू है, और ये वीक मतलब ब्लू के बाद वायलेट, और इस वीक मतलब ग्रे है, और ये वाइट। पहले वीक मतलब ग्रीन है, इसका मतलब ग्रे, यही सेंटेंस। चलिए वैल्यू याद रहेगी, पहले दो स्टेप क्या बताएंगे वैल्यू को, तीसरा वाला स्टेप जो वैल्यू आती है इन पावर में रेस कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दिए तो मल्टीप्लायर होगा, और चौथा वाला वैल्यू वगैरह नहीं, वो टॉलरेंस को बताता है, टॉलरेंस माने सहनशीलता, कितना वो बढ़ सकता है घट सकता है। इलेक्ट्रिक थोड़ी सी बढ़ जाएगी तब भी रेजिस्टेंस तुरंत नहीं उड़ता है, उसके पास सहनशीलता होती है, बर्दाश्त की होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है तब वही रेजिस्टेंस उड़ता है, तब बर्न होता है। ये चीज़ हम लोग समझ गए। लीजिए अब सीखते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या इसको कभी कभार जूल्स इफेक्ट भी कह देते हैं, जूल्स हीटिंग इफेक्ट कह देते हैं, करेक्ट। चलिए हीटिंग इफेक्ट एक तगड़ी एक हेडिंग है, ये दिखा रहे हैं, इस पर केवल क्वेश्चन आते हैं, केवल क्वेश्चन आता है। ये रेजिस्टेंस है, इसमें चार्ज क्यों फ्लो कर रहा है, क्यों चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस वी लगाया गया, देख लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस वी, माने वी वोल्ट बैटरी से जोड़ा गया इसमें, और टोटल चार्ज फ्लो कर रहा है क्यों, ये चार्ज को फ्लो करता हुआ नहीं बोल रहे हैं, तो ऐसे कहीं करंट फ्लो कर रही आई, लेकिन टाइम टी तक, टी टाइम तक दिया गया है, चाहे करंट फ्लो कराए चाहे ओवरऑल टोटल चार्ज, जो आपको दिखाना हो एक बार भी खींचते हैं। तो यहां पर कितना वर्क होता है, बैटरी सेल कितना वर्क करती है चार्ज को फ्लो कराने, या रेजिस्टेंस होकर करंट को पास कराने, कितना मेहनत करती है बैटरी सेल, जितना मेहनत करेगा उसको हम लोग निकालेंगे W, और जो वर्क होता है जूल के अकॉर्डिंग वर्क को हीट में बदला जा सकता है, जैसे जो आप काम कर रहे हैं वो हीट भी डेवलप करता है, जैसे हाथ को रब करना, घिसना, ये मैकेनिकल वर्क है, लेकिन घिसते रहे फिर देखिए कुछ देर बाद गर्म हो जाता है, हीटिंग इफेक्ट। तो होता क्या है, ये 4.2 कैलोरी जो हीट होती है वो 1 जूल की, 1 जूल इक्वल टू 4.2 कैलोरी, 1 जूल वर्क 4.2 कैलोरी हीट इक्वल होता है, यही वर्क और हीट आपस में कन्वर्टिबल है, इंटरचेंजेबल,
बदले जा सकते हैं। तो पहले हम लोग वर्क निकालते हैं, पहला है, पहला पॉइंट वर्क डन। कौन वर्क करेगा? वर्क डन बाय इक्विपमेंट या वर्क डन बाय सेल्फ? जैसे पंखा चल रहा था, पंखा कितना हवा दे रहा, कितना मेहनत कर रहा है वो, या पंखा वाला हवा कितना दे रहा वो नहीं मेजर कर पाते, कितना काम किया तो कितनी इलेक्ट्रिक कंज्यूम किया, जितना कंज्यूम किया है तो वही तो काम किया होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, कितना खाया है बैटरी से इलेक्ट्रिक वही आप बता दीजिए। ये वर्क हो गया, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट या बाय सेल, जो भी आप कहना चाहें सेम आएगा। तो सिंस फार्मूला क्या है, पोटेंशियल का फार्मूला होता है डब्ल्यू बाय क्यू, याद करिए, होता क्यू नॉट था लेकिन क्यू ए लिख दे रहे हैं सीधा सीधा, यहाँ से वर्क डन क्या आ जाएगा, वर्क डन हो जाएगा क्यू वी चार, और वी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, एक फार्मूला आ गया। कितना चार्ज, कितने कूलम चार्ज फ्लो किया और कितनी वोल्ट बैटरी लगाया था, दोनों मल्टीप्लाई करते क्यू, यही होता है वर्क। दूसरा, सिंस करंट होता है, करंट डेफिनेशन क्यू बाई टी, तो यहां से अगर क्यू में इंटरेस्टेड हैं, क्यू आपके लिए हो जाएगा आई टी, आई टी, और यह क्यू क्यू रंग नाउ राम इक्वेशन वन, राम इक्वेशन वन की मदद लीजिए, वन की मदद लेंगे तो डब्लू हो जाएगा, क्यू की जगह आई टी रखना है तो आई टी और इन टू वी, ये भाई आई करंट टी टाइम है और वी तो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या बोलते हैं थोड़ा सेट कर दीजिए, अच्छा बोलने में सही टोन नहीं आता, वी आई टी वोल्टेज इंटू करेंट इंटू टाइम। एक तो इंजीनियरिंग कॉलेज है वी आई टी, इसका पूरा नाम है विल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो डब्ल्यू इक्वल टू वी आई टी, ये फार्मूला नंबर टू है और इसके कंधे पर स्टार मार्क सजा रहे हैं, अभी लास्ट में कहेंगे आपसे कि इसको मत भूलिएगा, अभी से सुनिए आप, अभी मत भूलिएगा। तो डब्ल्यू इक्वल टू आ गया वी आई टी, वी आई टी वोल्टेज इंटू करेंट, और कितने समय तक करेंट पास करेगी, कितने टाइम तक आप इक्विपमेंट को ऑन, ये वर्क आ गया। यूनिट क्या होगा भाई, वर्क है तो जूल होगा, जूल, चलिए बाय ओम्स ला, ओम जी को याद करिए, ओम्स ला, ओम्स ला से वी क्या होता है, वी होता है आई इंटू आर, तो अब आई इंटू आर रख दीजिए, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर, इक्वेशन टू मदद लीजिए, आई आर रखेंगे तो आई चले जाते रहे साफ साफ, कैसे मिनट लगेगा, आई आर हो गया वीक प्लेस पर, बाकी आई इंटू टी बगल में इंतजार कर रहा है, दो बार आई हुआ, ये वर्क हो गया आपके लिए आई स्क्वायर आर टी, एक ही फार्मूला है, सब फार्मूले फर्जी हैं, एक ही वर्क ब्रांडेड है सेकेंड वाला, डब्ल्यू इक्वल टू वी आई टी, डब्ल्यू इक्वल टू वी आई टी, इसको नहीं भूलना है। चलो चौथा देखते हैं, अगला वाला फार्मूला, ए ओम जी को फिर से याद करें लेकिन अपनी बार आई को वैल्यू रख दीजिए, बाय ओम्स ला, ओम्स ला आई क्या लिखते हैं ओम्स ला से, वी बाय आर, अपनी बार आई लिख लीजिए करें, ये भी तो ओम्स ला है खाली ट्रांसफर की इधर उधर, इक्वल टू आई आर, आई चाहिए वी बाय आर, गलत थोड़ी लिखी, आई इक्वल टू वी बाय आर। नाउ जहाँ तक पहुँचे हैं बस उसी कदम बढ़ा लीजिए, यहाँ तक पहुँच ही गए हैं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन थ्री, आप चाहे तो आई वैल्यू वी बाई आर इक्वेशन टू में भी रख के निकाल लीजिए, कोई ऐतराज नहीं वही आएगा, लेकिन यहाँ तक पहुँचे तो यहीं रख दीजिए ना, क्या फ्रॉम इक्वेशन थ्री, ठीक मदद लीजिए, तो डब्ल्यू हो जाएगा आपके लिए कितना, आई स्क्वायर है तब तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर हो गया आर इंटू टू, आर और इंटू टू, एक आर का निपटारा हो तो वर्क डन की वैल्यू आ गई वी स्क्वायर बाई आर और इंटू टी, टी ऊपर है, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, टी ऊपर है न्यूमरेटर में, क्या सब में टी ऊपर है, दिस विल द इक्वेशन नंबर, इन जनरल
सेल या डोमेस्टिक जो सप्लाई है, गवर्नमेंट जो करंट भेज रही है 220 वोल्ट वाले पोटेंशियल डिफरेंस पर, कितना वर्क कर रहा है, या फैन चल रहा है वो कितना वर्क, कोई बल्ब जल रहा है वो कितना वर्क कर रहा है, कोई इंडक्शन हीटर आप जला भोजन पका रहे हैं कितना वर्क कर रहा है, वर्क पहले सीख लेते तो फिर हीट पर चर्चा करेंगे, हीट कितना प्रोड्यूस करेगा वो भी देख लिया जाएगा। इन जनरल वर्क के टोटल कितने फार्मूले आपके हाथ में आए, वर्क डन होता है आसान वाला क्यूवी, बाकी वी आई टी और कोई आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी और कोई वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, चार फार्मूले और चार उम्रों के याद इतना जूल जूल होती है और देखो। अब तक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में एक चीज सीख पाया, वर्क। दूसरा पॉइंट है पावर कंज्यूम्ड, पावर कंज्यूम कौन पावर को खाएगा, डिवाइस जो पंखा है कूलर है टीवी फ्रिज से, या पावर डिलीवर्ड पावर कौन देगा सेल, तो दोनों के लिए सेम फार्मूला, भाई सेल ने कितना पावर दिया, जितना दिया वो फैन को कितना मिला वही जितना सेल ने दिया उतना लिया, तो इसलिए पावर हेडिंग डालते हैं, या पावर कंज्यूम्ड बाय इक्विपमेंट डाल सकते हैं आप, पावर प्रोवाइडेड बाय सेल बोल सकते हैं, या अच्छा वाला दोनों में चल जाए केवल पावर बोलिए आप। पावर पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर ऑफ डिवाइस, जो यंत्र आप इस्तेमाल करते हैं इक्विपमेंट, इक्वल टू लिख देते हैं वर्क डन अपर यूनिट टाइम और नीचे टाइम है बस, इसकी यूनिट क्या बनी, यूनिट होगा जूल पर सेकेंड, या कम शब्दों में केवल वाट, जूल पर सेकेंड या वाट, और यूनिट इसकी किलोवाट, और यूनिट मेगावाट, और एक इंजीनियरिंग में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला पावर यूनिट है हार्स पावर एचपी, लिख लेते हैं थोड़ा सा नोट में, पहला 1 जूल पर सेकेंड एक यूनिट हो गया, 1 जूल पर सेकेंड कितना वाट, 1 वाट, दोनों इक्वल है, जिसमें से वाट एसआई सिस्टम में है इंटरनेशनल सिस्टम, तो 1 जूल पर सेकेंड के ही चाहे 1 वाट के, चलिए बड़े में आइए 1 किलोवाट स्मॉल के कैपिटल में, ये होगा किलो मतलब हजार होता है 1000 वाट हो, वाट के डब्ल्यू भाई यहाँ यूनिट में डब्ल्यू मतलब वाट समझ लिया, अरे फार्मूले में डब्ल्यू आएगा तो इसका मतलब वर्क समझ लिया, कोई और किलो से बड़ा मेगा होता है कैपिटल एम से लिखते हैं मेगावाट, मेगा मतलब 10^6 होता है, 10^6 वाट, मेगा से बड़ा गीगा होता है कैपिटल जी, इसका मतलब होता है गीगा से मतलब 10^9, या गीगा को अब बिलियन भी बोला जाने लगा है, बिलियन, मेगा वाले को मिलियन भी बोला जाने लगा है, मिलियन। लास्ट एक लिख लेते हैं व्यवहारिक मात्र से ज़्यादा यूज में आता है हार्स पावर, हार्स पावर एच टी, 1 हार्स पावर में कितना 746 वाट होता है, 1 हार्स पावर में 746 वाट, जिसको भी कहते हैं एच टी। हार्स मतलब घोड़ा होता है अश्व, इसको अश्वशक्ति कहते हैं। अब देखिए एचपी की डेफिनेशन बहुत मजेदार है, बहुत लोगों ने पता होता है, किसी से पूछे कि ये 746 टेढ़ा मेढ़ा नंबर आया था, तो बार बार आपको प्रेरित करें कि इसको रख लीजिए ये आता है, अब सीधा सीधा नहीं इसीलिए पूछा जा रहा है, जैसे 1 एचपी में 1000 वाट होता है 1000 वाट तो चलिए कोई बात नहीं, आधा 1000 का आधा 500 वाट होता तभी कोई तकलीफ नहीं, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा नंबर आ रहा है 746,
746। आता कैसे, इसकी बेसिक डेफिनेशन में जाना पड़ेगा। जो पुराने समय के जो युद्ध काल में घोड़े प्रयोग किए जाते थे, जो राणा प्रताप वगैरह लेकर चलते थे, वैसे घोड़े की शक्ति, उस तरह के घोड़ों के पास जो पावर होता था वो NHP होता था। लेकिन अब घोर समस्या है, अब न रहे राणा प्रताप, न रहा उनका चेतक, उनके घोड़े के नाम चेतक था। तो अब उस डेफिनेशन को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए हुआ क्या कि वर्क करवाया गया, कुछ काम करवाया गया घोड़ों से। तो घोड़े की ही नहीं, मशीन की भी आप पावर को, शक्ति को NHP बोल सकते हैं, या किसी आदमी की शक्ति को NHP बोल सकते हैं। कोई बकरी है, अगर उतना काम कर ले, बकरी के पास NHP है, उसके पास भी वन हार्स पावर से इतना पावर है। लेकिन वो कुछ क्राइटेरिया है, वो फुलफिल करना चाहिए, वो कंडीशन फुलफिल करेगा तभी आप NHP बोलेंगे। तो सुन लीजिए क्या है उनका। 220 फीट गहरी खान, 220 फीट, और कौन सी खान, कोयले की, कोल माइन हो या जो भी हो, गोल्ड माइन ले लीजिए, सोने की खान, तो कोयले की खान है 220 फीट गहरी। और इसमें कोई घोड़ा 150 पाउंड कोयला, इतना पाउंड, 150 पाउंड इतना कोयला कितने समय में बाहर खींच दे। अब घोड़ा, अब भाई व्यवहारिक बात है कि घोड़ा ये माइन में जाकर कैसे दीवार पकड़ के स्पाइडरमैन की तरह नहीं चढ़ेगा, घोड़ा दौड़ेगा जमीन पर। उसके लिए पुल्ली उल्ली का अरेंजमेंट बनाई, न्यूटन असला वाला जैसे बनाते थे, अब उसको बांध के खिंचवा लीजिए जमीन पे, दौड़ाइए अपना, खींचते निकल जाए, उसकी पूछ पर रस्सी बांध दीजिए, चलिए। तो कितने मिनट में बाहर निकाल दे, पालक झपकते मर विद इन द ब्लिंकिंग ऑफ आई, ऐसा कोई कर पाए 1 सेकेंड? अरे 1 सेकेंड तो कहते कहते हो गया, 1 मिनट में। याद रखिए, जो मशीन, जो जैसे एनिमल है, जानवर है, कोई आदमी है, 1 मिनट में 150 पाउंड कोयला कहीं, चाहे मटी कह लीजिए, चाहे पानी कह लीजिए, पाउंड 150 होना चाहिए, 150 पाउंड जो वेट है, इसको 220 फीट गहरी माइन से 1 मिनट में बाहर जो खींच देगा, उसके पास 1 HP। तो कैलकुलेट कर लीजिए, पहले तो हम लोग वर्क निकालेंगे। वर्क निकालने का क्या फार्मूला, ग्रेविटी वाले चैप्टर में ऊपर उठाने में वर्क क्या होता है, MGH, W हो गया MGH, मास रख देंगे 150 पाउंड, 1 पाउंड में कितना ग्राम होता है, 153.6 ग्राम होता है, और एच कितना, 220 फीट है, तो फीट को पहले सेंटीमीटर में बदलिए, 30 से मल्टीप्लाई करके, फिर 100 से डिवीजन लगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा ही काम करना है, MGH निकाल लीजिए, और टी आपके लिए 60 सेकेंड है, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, WT कर दीजिए, वही आपकी पावर हो जाएगा, MGH/T निकालें, जेट फोर सॉरी 746 वाट आता है 1 HP। बस 1 HP की डेफिनेशन मन बैठाए रही, 220 फिट कोल माइन से, डीप कोल माइन, इतनी गहरी खान से 150 पाउंड कोयला 1 मिनट में जो ड्रैग कर देगा, खींच करके बाहर निकाल देगा, उसके पास 1 HP हो गया। काफी चीजें सीखे हम लोग। अब पावर का फार्मूला ये देखते हैं, जनरल रिजल्ट पावर के लिए, इसके लिए कोई मेहनत ही नहीं करना, एकदम फ्री। पावर कैसे निकालना है, जो वर्क का फार्मूला है उसमें टाइम्स डिवीजन करते जाए, काम बन जाए। लीजिए पावर का बहुत सा फार्मूला, डब्लू वाला पेज पर हटिए, डब्लू वाला देखिए, ए भाई डब्लू वाला क्यू भी था, कोई बात नहीं, बाई टी कर दीजिए, लेकिन अगले में फायदा है, डब्लू इक्वल टू VIT था, तो VI लिखिए, V × I, टाइम घटा दीजिए। अब V की जगह IR रख दें तो I² R हो गया, और I जगह V/R रख दें तो V² / R हो गया। देख लीजिए जितने फार्मूले वहाँ मिले थे उतने ही यहाँ मिलते हैं, बस जहाँ जहाँ टी लगा था वहाँ हटा दी, जहाँ टी लगा ही नहीं था वर्क में वहाँ टी नीचे लगा दीजिए। क्या देखिए कितना आसान फार्मूला मिला, और इस पूरे सबकी यूनिट होनी है वाट, नोट कीजिएगा, बहुत मज़ेदार चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, आसान है, हल्का है, मजेदार है। तीसरा पॉइंट, पावर का डेफिनेशन सीखा, कुछ यूनिट सीखे, फिर एक ही बार में कटाक से चार चार फार्मूले लिख के बैठ गए। तो पावर का ये वाला फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलिएगा। कोई पूछे पावर क्या होता है,
तो आपका एक वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होता है, वी इंटू आई होता है। कोई पूछे वर्क क्या होता है, आपका ही वी आई टी होता है। वोल्टेज करंट प्रोडक्ट साथ साथ टाइम का भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है हीट डेवलप्ड, कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा एच वी नो वन जूल वर्क इक्वल टू 4.5 सही पूछे 4.18 होता है, लेकिन जल्दबाजी में 4.12 लिख देते हैं, 12 कह दीजिए। नहीं गलत हो रहा है, 1 कैलोरी 4.2 जूल होता है। 1 कैलोरी हीट कितने की इक्वल होता है, 4.2 जूल वर्क इक्वल। कैलोरी किसकी यूनिट है, हीट की, और ये जूल किसकी यूनिट है, वर्क। हालांकि हीट की एसआई यूनिट जूल ही होती है, लेकिन व्यवहारिक में व्यवहार में वर्क यूनिट जूल और हीट को हीट का जो पॉपुलर यूनिट है कैलोरी, जो कि सीजीएस यूनिट है। हीट की एसआई यूनिट जूल ही होती है, वर्क की एसआई यूनिट जूल ही होती है, तभी तो आप बदल ही पा रहे हैं। व्यवहारिक यूनिट जो व्यवहारिक है, जो जनरल यूनिट है, ज़्यादा पॉपुलर यूनिट, पॉपुलर यूनिट कैलोरी। 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है, एग्जैक्ट 4.18 होता है, राउंड ऑफ करके 4.2 लिख देते हैं। चलिए 4.2 ही सीखिएगा। तो यानी वर्क को अगर हीट में बदलना है, ए 4.2 से डिवीजन का इतना कैलोरी आ जाएगा। 10 जो हीट अगर आप चाहते हैं, जो वर्क आपने निकाला है उसमें 4.2 से डिवीजन लेंगे, तब जाकर के वो हीट यानी कैलोरी लिख सकते हैं। बाकी जो वर्क है वही जूल में कह देंगे, जबरदस्ती कहीं हीट है तो मान लेंगे, तो क्या दिक्कत, यूनिट उसकी एसआई में आ रही है। लेकिन व्यवहारिक वाले पॉपुलर वाले यूनिट लिखना है तो 4.2 से डिवीजन लेना पड़ेगा। विच इंप्लाइज, अब ध्यान दीजिए, जितने वर्क के फॉर्मूले निकाले हैं सब में 4.2 से डिवीजन लीजिए, हीट मिलता चला जाए कैलोरी में, पॉपुलर में। तो हीट के ढेर सारे रिजल्ट एक साथ लिख रहे हैं, एच इक्वल्स टू कितना, क्यूवी पहला फार्मूला था वर्क का बाई 4.2, दूसरा फार्मूला था वर्क का वी आई टी, तो लिख दीजिए वी आई टी बाई 4.2। देखिएगा आई स्क्वायर आर टी था तीसरा वाला फार्मूला, आई स्क्वायर आर टी डिनोमीटर में 4.2 धीरे से। और चौथा फार्मूला था वी स्क्वायर बाई आर था, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, वी स्क्वायर इंटू टी लिखिए, नीचे 4.2 आर लिख दीजिए। देख लीजिए कितने पेशेंस के साथ हम लोग बड़े बड़े फार्मूले छुट्टियों में जुड़ लीजिए हैं ये, और यूनिट क्या होगा, कैलोरी इसका होगा, कैलोरी में सब हीट का फार्मूला आ गया। तो आज 3 चीज़ें सीख पाए हीटिंग इफेक्ट में, वर्क डन बाय इक्विपमेंट या वर्क डन बाय सेल, पावर डिलीवर्ड बाय सेल या पावर कंज्यूम्ड बाय डिवाइस एंड मोटर, जो भी पावर, इसीलिए सार्टन फ्यूल पावर लिखा है। हीट डेवलप्ड बाय डिवाइस, जैसे बल्ब जला कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है निकाल सकते हैं, फैन चल रहा तो वो भी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, खुद तो हम लोग ठंडा कर रहा है लेकिन वो बेचारा उसका सर गर्म है, एंड आप उसका हेड जरा जो सेंट्रल पार्ट है उसको छू के देखिए वो गर्म हो जाता है, कितनी हीट डेवलप करेगा इस फार्मूले से निकालिए। मेन एक ठुकना सॉलिड हथकंडा बना लीजिए जिसको हमेशा याद रखना है हमें, देखिए एक फार्मूला नहीं बोलता तो ऐसा आप भी मत करिए। पावर क्या होता है, वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट। वर्क क्या होता है, रेट टी और बढ़ा दीजिए वी आई टी। अच्छा हीट क्या होता है, कोई बात नहीं 4.2 से डिवाइड करा दीजिए वी आई टी बाई 4.2, इतना कैलोरी इतना जूल इतना वाट, हो गया आसान चीज है। एक तो कम से कम याद रखिए, बाकी कन्वर्ट कर लीजिए मौका पड़ने पर। चलिए एक छोटा सवाल, एन इलेक्ट्रिक बल्ब
इलेक्ट्रिक बल इज मार्क एज, क्या उस पर लिखा गया है, क्या कंपनी वाले ने मुहर लगा के प्रिंट करके क्या भेजा है, बल बल मार्क एज हंड्रेड वाट एंड 200 वोल्ट्स। वाट 100 है, अब वोल्टेज कितनी खाएगा 200, ये फाइंड आउट। रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट यूज्ड, जो इसमें फिलामेंट पतला से स्प्रिंग की तरह तार लगा होता बल्ब के अंदर, उसका आप रेजिस्टेंस कितना अच्छा सा सोल्यूशन देखिए क्या दिया है, जरा साफ साफ नोट किया जाए। गिवन पी है आपके लिए 100, ए डब्ल्यू लिखने कभी कभार घबराहट होती, पूरा लिख दीजिए वाट, और वोल्टेज है वी की वैल्यू 200 वोल्ट्स। आपसे करंट वरेंट पूछा था, करंट बता लेते लेकिन बहुत सहूलियत किया गया, क्यों रेजिस्टेंस, तो देख लीजिए पावर का वो फार्मूला लिखे जिसमें रेजिस्टेंस का नाम हो। सिंस अगर करंट पूछा जाता टी इक्वल टू वी आई लगा ले, आई निकाल लेते फट से पी वाई भी, करंट नहीं पूछा गया, रेजिस्टेंस पूछा गया। पावर के तो कई फार्मूले हैं, कई अवतार हैं, ऐसे लगाइए वी स्क्वायर बाई आर वाला, देखिए कोई फार्मूला है रेस नहीं, वी स्क्वायर बाई आर लास्ट वाला, हालांकि नीट क्लियर लेकिन छाट लीजिए, टाइम हटाई 4.2 हटाई पावर नहीं होगा। आर चाहिए, आर हो जाएगा आपके लिए क्या वी स्क्वायर और क्रॉस शिफ्टिंग पी नीचे, वैल्यू रखिए वी स्क्वायर 200 वोल्ट है, स्क्वायर करना है दो बार मल्टीप्लाई करिए, पावर आपके लिए मात्र 100 है, 00 कैंसिलेशन, रेजिस्टेंस आ गया 400 यूनिट, वही पुरानी ओम। सब हल्की फुल्की बातें, इतना समझते हैं हम लोग। सिंगल मार्क वाले क्वेश्चन, कुछ और सीखते हैं। कुछ और नोट अदर यूनिट्स ऑफ वर्क या इनर्जी भी बोलते हैं, एनर्जी की यूनिट जूल होती है, कितनी एनर्जी कंज्यूम किया या कितना वर्क किया सेल ने, इस तरह की अगर बात आती है तो वही डब्ल्यू के बारे में चर्चा होगी। सिंस पी इक्वल टू क्या डब्ल्यू की यूनिट जूल तो होती है, वर्क का या एनर्जी की जूल तो होता है, उसके अलावा सीखने वाले डब्ल्यू बाई टू, तो पावर वाले से शुरू करिए, तो यहां से डब्ल्यू क्या आ जाएगा, डब्ल्यू होगा पी टी पावर इंटू टाइम, अदर यूनिट क्या होगा, अदर यूनिट हो जाएगा पावर की यूनिट रखिए और इंटू टाइम की, वो एक जूल की तरह हो जाएगा, यानी पावर जैसे हम कहें वाट किसकी यूनिट, तो आप कहेंगे पावर की, लेकिन कह दें वाट इंटू सेकंड किस का कह देंगे वर्क, किलो वाट किसकी यूनिट पावर की, लेकिन किलो वाट आवर किलो वाट घंटा किसकी यूनिट वर्क का, याद रखिए वाट किलो वाट मेगावाट ये सब पावर की है, लेकिन उसमें टाइम वाली यूनिट भिड़ाते जाए पावर साथ साथ टीवी टाइम वाली यूनिट लिखते जाए तो वो वर्क यूनिट होता जाएगी, एनर्जी यूनिट होता जाएगा। ये अदर यूनिट हो गया क्या क्या, वन जूल इक्वल टू वन वाट सेकेंड, या और देखिए वन किलो वाट सेकेंड, वन किलो वाट सेकेंड ये भी आपके लिए वर्क की यूनिट है, इसको क्या लिख देंगे किलो वाट में 1000 वाट होता है 10 पावर
थ्री हो गया, बाकी वाट सेकंड लिख सकते हैं। अब वाट सेकंड कभी देखा गया, जूल बोलते हैं, 10^3 जूल हो गया। 1 किलोवाट सेकंड में 10^3 जूल माने 1000 जूल होता है, समझ गए। जैसे फिर से वाट सेकंड किसकी यूनिट, वर्क की। वाट मिनट किसकी यूनिट, वर्क की। वाट आवर, वाट घंटा, ये किसकी यूनिट, ये भी वर्क की, याद रखिए। फिर से वाट, किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, हॉर्स पावर, किसकी यूनिट, सब पावर की, पावर की, पावर। लेकिन फिर सावधान, वाट सेकंड, किलोवाट मिनट, मेगावाट आवर, गीगावाट सेकंड, कुछ भी हो, पावर की यूनिट रखिए और उसी में टाइम वाली यूनिट से मल्टीप्लाई करते जाइए, वो टोटल यूनिट बन जाएगा वर्क, याद रखिएगा। और इसका सबसे बड़ा व्यवहारिक यूनिट है एक ठो किलोवाट आवर, बड़ा बड़ा किलो वाट आवर, हिंदी में किलोवाट घंटा। किलोवाट आवर क्या है, ये किलोवाट मतलब 10^3 वाट हो गया। आवर एक घंटे में कितना सेकंड, 3600 सेकंड होता है। तो ये सब सेट कर ली, 3.6 × 10^3 आएगा, तो फाइनली आ गया 3.6 और 10^3 यहाँ पहले से ऑलरेडी बैठा 10^6 और वाट सेकंड हम लोग आराम से जूल लिख पाए। कोई पूछे 1 किलोवाट आवर कितनी एनर्जी होती, तो आप कहिए 36 लाख जूल एनर्जी होती, 36 लाख। यही है। तो 1 किलोवाट आवर में कितना जूल, 3.6 × 10^6 जूल होता है। अब एक तो नई चीज सीखते हैं, यूनिट। यूनिट क्या है, जैसे बिजली की यूनिट शहर में ज्यादा है, गांव में कम। वहां पर यूनिट शहर में 8 रुपए पर यूनिट है, एक यूनिट खर्च करेंगे तो 8 रुपए, गांव में 3-4 रुपए, कुछ लोग कटिया मार लेते 1 रुपए नहीं दे रहे हैं। तो यूनिट है क्या, यूनिट देखिए कितना बहका हुआ नाम है, एकदम बेकार मिसिंग। यूनिट तो हर एक क्वांटिटी का होता है, वेलोसिटी को होता है यूनिट मीटर पर सेकंड, पावर को होता है यूनिट वाट होता है, वर्क का जूल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम, फोर्स का खाली न्यूटन, भाई हर एक क्वांटिटी का होता है। फिर ये नई चिड़िया कहाँ से आ गई, केवल यूनिट क्यों बोल रहे हैं। तो हुआ क्या कि ये टर्म है जो मुंह लगा हुआ, ऐसा पॉपुलर टर्म हो गया यूनिट। सही नाम है, अंग्रेजों ने डेवलप किया था, बिजली को बेचने की प्रणाली डेवलप की, इलेक्ट्रिक कास्ट, पैसा वसूलने की टेक्निक इस्तेमाल किया, और इलेक्ट्रिक कास्ट के लिए वही यूनिट वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, छोटे रूप में यूनिट। पूरा नाम है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ट्रेड मीन्स व्यापार, व्यापार करने के लिए यूनिट का निर्माण किया। और हाँ लिख लीजिए, थोड़ा जल्दी करते हैं। इट्स एक्चुअल नेम इज बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, इतना बड़ा इसका पूरा नाम है, शॉर्ट में बीटीयू कहते हैं, बीटीयू बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट का पूरा नाम बीटीयू, पूरा नाम फैला दीजिए बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कितने और किसकी, किसका ये जो है यूनिट है, जो यूनिट गलती से बोल रहे हैं, तो किसका सच में किस फिजिकल क्वांटिटी यूनिट है, जो बिजली का बिल लिया जाता है, गवर्नमेंट आपसे पैसा वसूलती है, किस बात का पैसा वसूलती है, एनर्जी खर्च करने का कि पावर खर्च करने का, याद रखिएगा। तो दिमाग लगाएंगे तो आप खुद ही जवाब दे देंगे। देखिए है क्या, पंखा एक घंटा तक जलाएंगे, एक घंटा तक चलाएंगे तब ज़्यादा आपको पैसा देना होगा, पंखा 10 घंटा चलाएंगे तब ज़्यादा पैसा, आपको सीधा जवाब आएगा पंखा 10 घंटा चलाएंगे तब। इसका मतलब टाइम से रिलेटेड पैसा लिया जा रहा है। तो टाइम से रिलेटेड कौन सा फार्मूला है, पी तो वी आई होता है और वर्क होता है वी आई टी, टाइम वाला टर्म ये है। इसका मतलब वर्क का पैसा लिया जाता है, एनर्जी का पैसा लेता है गवर्नमेंट हमको, हम लोगों से पावर पैसा नहीं लेती। फ्रीज 1500 वाट की है, उसका पावर 1500 वाट है। फ्रीज आप कहीं शादी विवाह में पाए, आपके घर में आ जाते हैं, तो गवर्नमेंट वाले आपसे पैसा नहीं लेना शुरू कर देंगे कि भाई 1500 वाट का फ्रीज रखे हैं आप। अरे जब उसको बोर्ड में प्लग उसका लगाएंगे, ऑन करेंगे, उससे काम लेंगे, पानी उन्हें ठंडा कराएंगे, तब इलेक्ट्रिक कंज्यूम करेंगे, तब पैसा देना हो।
फ्रिज ला करके रखे हैं घर में, कोई पैसा नहीं देना होगा। याद रखिएगा, गवर्नमेंट किस बात का पैसा लेती है? इनर्जी का पैसा लेती है, पावर का पैसा नहीं लिया जाता। ये इनर्जी की यूनिट है। अब बात पकड़ में आई, इनर्जी की यूनिट है तो एक BTU कितने इनर्जी यानी कितने जूल की इक्विवेलेंट है? लाइन ड्रॉ करके लिखते हैं, 1 BTU इज द इनर्जी या वर्क कह सकते हैं इक्वल टू 1 kWh। और 1 kWh की मीनिंग जरा समझिए, तो आप निकालेंगे इसका मतलब 1 BTU किसके इक्वल हो गया? 3.6 × 10⁶ जूल। या अगर BTU के फिर गलती से यूनिट ही बोल दें, 1 यूनिट किसके इक्वल हो गया? ये तो गलत नाम है, यूनिट इज द मिसनेम। 3.6 × 10⁶। एक यूनिट कितने एनर्जी के इक्वल होता है? कितनी एनर्जी खर्च करेंगे तो आपको बिजली बिल 8 रुपये देना होगा, शहर में गाँव में 3-4 रुपये देना होगा। तो यही है भाई। और किसी को गांव वाले आदमी समझाना हो 1 kWh कितनी बिजली खपत होती है, कह दीजिए 1 kWh मतलब 1000 वाट। 1000 वाट नहीं समझ पा रहे हैं, 100 वाट का 10 बिना का बल्ब ले लीजिए और 1 घंटे तक आप ऑन कर दीजिए, जितनी बिजली खपत करेगी वही 1 यूनिट है। याद रखिए, जैसे अब समझ लीजिए, किलोवाट इंटू आवर अगर 1 आ रहा है तो 1 यूनिट, किलोवाट इंटू आवर अगर 2 आ रहा है तो 2 यूनिट। जैसे 1.5 kWh यानी 1500 वाट का फ्रिज है और 2 घंटे चला रहे हैं आप, 1500 वाट का फ्रिज 2 घंटे चलाए तो उसका मतलब हो गया 1500 वाट मतलब 1.5 kWh और 2 घंटे तक चलाया तो 3 यूनिट होगा। गांव में अगर है तो 4×3 = 12 रुपये देना, शहर में है 8×3 = 24 रुपये देना। तो किलोवाट इंटू आवर यही कुल मिलाकर यूनिट होगा। तो क्लास यहीं पे आज टर्मिनेट करते हैं, कल यूनिट कैलकुलेट करना सिखाते हैं, आज के बाद यहीं पर फिर अगले लेक्चर का इंतजार करते हैं। क्लास आज की बहुत मज़ेदार थी, हल्की है लेकिन इम्पॉर्टेंट थी। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपकी क्लास यहीं पर टर्मिनेट की जाती है। गुड नाइट, शुभरात्रि, have a physics degree.